हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है बादलों का निर्माण कैसे होता है। तो दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाते हैं तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बनती है। जलवाष्प के कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण वायुमंडल में चली जाती है। यह गर्म वायु के साथ मिलकर ये ऊपर की ओर उठ जाती है, ऊपर जाकर ये फैलती है और ठंडा हो जाती है। सो थैंक यू।